टेलीविजन देख रहा था यहाँ पर आप लोगों से मुखातिब होने के पहले, प्रकाश जावेदकर साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक वक्तव्य दिया है। बोला आज कसम खाओ कि तुम देश के लिए क्या करो, आज ही बोला है उन्होंने, अभी टेलीविजन पे मैं देख गया हूं। और मुझे उनका जो ये वक्तव्य है, मतलब मेरे एकदम दिलो दिमाग के अंदर तक चुभता चला गया कि यार इन्होंने तो बड़ी महान बात कर दी। तो सभी को ये, हमको ये पाना, हमको वो पाना, हमको वो पाना, उन्हें साफ साफ कहा है कि आज कसम खाओ कि तुम देश के लिए क्या करो। अब मैं बताऊं, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोग जो यहां हैं उनसे मैं कहता हूं, ये सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं बताऊं, अगर दिल से अपने अपने मतलब दिल से अपने दिल से अगर ये आप सवाल पूछें तो इसका बड़ा आसान जवाब आप लोगों को मिलेगा। हमको देश के लिए क्या करना है? हम क्या राफेल बना सकते हैं? हमारे बस में है नहीं। हम क्या सियाचिन के ग्लेशियर पे बंदूक लेके खड़े हो सकते हैं? नहीं। हम क्या आईटीओ का ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं? नहीं, वो हम सक्षम नहीं है उसमें। तो यही कसम खाएं, जो जिसके लिए हम सक्षम हैं उसको मैं 100% पूरे जज्बे से करूंगा। और ये जवाब, ये सवाल मैं खुद से तो पूछ चुका हूं साहब, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारी क्षमता है मरीजों की बेस्ट पॉसिबल केयर करना इन ऑल फॉर्म, चाहे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे सिस्टर्स हैं वार्ड में हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, हमारे सुरक्षा कर्मी लोग जो खड़े हैं, हमारे सफाई के लोग जो खड़े हैं, मैं बताऊं, मैं पिछली बार भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, मेरे लिए कोरोना के आईसीयू में जो अभी सफाई कर्मी उसके फ्लोर को साफ कर रहा है, मेरे लिए वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से बहुत ज्यादा अहम है। और ये मैं बात दिल से बोल रहा हूं। तो हम लोग सब लोग क्या है, हम लोग इसी में सक्षम, जैसे सुरक्षा कर्मी है, मान लीजिए लंबी लाइन है, अब है कि इधर धक्का दो, इधर भगाओ, कर सकते हो, कर लो, लेकिन उसी भीड़ को, उसी क्राउड को, उसी पंक्ति को अच्छे बिहेवियर के साथ पोलाइट तरीके से अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें, कभी वो धक्का दे देगा आपको, सह लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे सफाई करना है, जैसे मैंने बताया कोरोना वार्ड में गया, वहां सफाई की ऐसी दुर्दशा थी जिसका की कोई लिमिट नहीं। जो काम हम कर सकते हैं वही प्रतिज्ञा हम खुद से लें, हम मरीज का इलाज, मरीज का देखरेख बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और उसी में हम अपना 100% अपने आप को झोंक दें। दिक्कतें आएंगी, आती हैं, तो क्या करें, हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है ना कि हम भाग जाएं। दो मरीज हमसे बदसलूकी कर देगा तो हम अस्पताल छोड़ के भाग तो सकते नहीं है। तो ये हम लोग सब प्रकाश जावेदकर साहब के स्टेटमेंट से एक लें और खुद को ये वचन दें, जहां जहां हम पेशेंट केयर में किसी भी तरह से इन्वॉल्व है उसमें हम अपना 100% छोड़ें। मैं आपको बताऊं एक और, मैं अभी अपनी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल ना मेरे पास करीब 20 के आसपास रेजिडेंट्स आए थे, तो उन लोगों से मैं बात कर रहा था कि यार ये जो रात को डॉक्टर लोग, सिस्टर कोयला आपके लिए भी ये बड़ा जरूरी है क्योंकि वो लोग हमारे पास आए थे रात को, दो बजे रात को कोई शौक से घर से निकल करके अस्पताल में नहीं आता है, कौन आएगा आप बताइए। तो उस समय उनके साथ बदसलूकी होती, अपने दिल पे अपना हाथ रख के पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं साहब ये होता है, हम भगा देते हैं। भीड़ है हमारे पास, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, तो हमारे पास जितनी हमारी क्षमता है उससे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन दूसरा है कि हमारा मैंडेट जो है वह नो रिफ्यूजल पॉलिसी का, तो हम करें क्या, हमको उसी में एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो है कि थोड़ा जो मरीज ठीक है उसको डिस्चार्ज कर देंगे, थोड़ा जो है शिफ्ट आउट करें, जब इमरजेंसी में बहुत भीड़ है तो वार्ड में, मैं आपको बताऊं वार्ड में जगह खाली होता है और इमरजेंसी में स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर चढ़ा हुआ होता है, तो ये कौन करेगा? ये कोई मंत्री आकर के नहीं करेगा, ये कोई हेल्थ सेक्रेटरी नहीं करेगा, ये तो हम ही और आपको करना है। जिसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आप बोलिए कि तुम भागो, प्रेम से बताइए कि भाई देखो अब आप छुट्टी कर सकते हैं, हम आपको ये दवाइयां खाना, कोई दिक्कत हो तो आ जाना इमरजेंसी में, और वहां पर से वार्ड में जो जगह खड़ी है इमरजेंसी वाले को वहां शिफ्ट कर दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूं और आप लोग सबको ये बात पता होगा, कम से कम जो सिस्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनको सबको पता है, वार्ड में जगह खाली पड़ा हुआ है, इमरजेंसी से मरीज को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। कोई ट्विटर पे, कोई मीडिया पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई डायरेक्टली डायरेक्टली सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिख रहा है कि साहब हमारे पास तो बेड ही नहीं। ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी।